जापना की जय। आइए बीरबल, बैठिए 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 बैठिए। जापना, आपने हमें याद किया। याद तो हम सबको उस अल्लाह को करना है बीरबल। अब इस सब में क्या रखा है रे? जापना जापना, गजब हो गया गजब हो गया। मधुबाला वो नहीं है, वो जो दिखती है उसकी कोई नाटक मंडली है ही नहीं। हमें तो लगता है जापना उसको यहाँ भेजना किसी दुश्मन देश की साजिश है। बलदेव जी, ये आपसे किसने कहा कि मधुबाला की कोई नाटक मंडली नहीं है? फूलचंद ने कहा। फूलचंद ने कहा कि उसके गांव माधवगंज में रंगरसिया नाम की नाटक मंडली कोई है ही नहीं, जैसा कि मधुबाला कहती है। अरे वजीर आजम, फूलचंद नाई एक साल से अपने गांव नहीं गया। हो सकता है इस एक साल में कोई रंगरसिया नाम की नाटक मंडली उभर आई हो सकता है ना है? चले जापना, हम चलते हैं, इजाजत चाहेंगे। ए खुदा, आज ईद है और ईद की रौनक सभी के घरों में दिखाई दे रही है, पर इस गरीब के घर में ईद अभी तक नहीं आई है। जैसे तैसे करके एक पैसा बचा है मेरे पास, वो भी इधर उधर मुंह छुपाए पड़ा है। मालिक मालिक, जुम्मन मियां के यहाँ पे हाथी पर बैठ करके ईद आई है। मालिक, हमारे यहाँ ईद कब आएगी? अबे गधे, तुझसे कितनी बार कहा है कि तू हमारा एक लौता पैसा है, दूसरों की ईद देखने बाहर घूमा मत कर। यूसुफ के अब्बू सुनिए, ईद आई है, पैसे दीजिए, खरीदारी करनी है। अब्बा, मुझे पता है आज ईद है और आपकी बहू को मेले में जाकर अरबी गधे की सवारी करनी है। चलिए पैसे दीजिए। अफूर, शाही खून, अमीर खून है हम। हमने जो तुझे कर्ज में रकम दी थी वो हम वापस लेने आए हैं। कहां से लाऊं पैसा, कहां से चुकाऊं कर्ज? हाय हाय, ऐसे शोहर से तो अच्छा है कि मैं कुंवारी ही रहती। छोड़िए ससुर जी, आप बाप नहीं, पाप है पाप। मुझे पता है ये गरीब पाप है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। ये एक पैसा बचा है मेरे पास, इसे भी साफ कर दो। इस एक पैसे का मैं क्या करूंगी? अरे हट, हट जा कठोर। इस जालिम दुनिया से धक्के खा खा कर ये पैसा भी बेहोश हो गया। मैं तो फिर भी इंसान हूं। इस ईद ने मुझे एक ऐसी सीख दी है कि ये रिश्ते नाते दुनिया सब कुछ उस शैतान की साजिश है, जिससे वो इंसान को खुदा से दूर करना चाहता है। क्योंकि अब इस सब में क्या रखा है रे? बीरबल, ये हम हैं बीरबल। तभी मधुबाला कह रही थी कि ये नाटक हम पर है। अब आप देखना, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर फकीर बन जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। जापना, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। देखते हैं। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं ये सब कुछ छोड़कर फकीर बन जाऊंगा। कहा हमने आपसे, हमने आपसे कहा। वाह वाह वाह। खिड़की से हवा आई, आप कौन हो भाई? हम तेरा दिमाग है, हमेशा तेरे साथ हैं। तू फकीर मत बन, मेरी बेईमानी और छल कपट दिमाग को अपना, अमीर होता रहेगा, होता रहेगा। गंदा दिमाग। नहीं, अपने दिमाग की बात मत मानना। मैं हूं तेरा धक धक दिल, लेके चिमटा और कटोरा, बन जा तू फकीर। मूर्ख दल, तू इसे भड़का रहा है। तेरा गला दबाकर तेरी धड़कन ही बंद कर दूंगा। अरे
बस करो। अपने दिल की बात मान, फकीर बनने मैं चला, क्योंकि अब इस सब में क्या रखा है रे? नहीं, अब आपके सिवा बुढ़ापा कैसे काटूंगी? जो आप ना माने तो मैं भी फकीर बन के भागूंगी। मुझे पता है, माँ बाप के बिना मैं भी कैसे उछलूंगा, आप दोनों के साथ मैं भी भागूंगा। आप मेरे पति हैं, आपको नहीं छोड़ूंगी, गली गली आपके साथ अपना नसीब फोड़ूंगी। मालिक, मुझे एक पैसे को आपके सिवा कौन रखेगा? हर कोई मुझे फेंकेगा। अल्लाह ने मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी से बांधा है, कैसे मैं अपनी पत्नी और बच्चे को फकीर बनाकर रास्ते पर ले आऊं? ये गुनाह अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। आईने, उम्मीद है हुजूर को नाटक पसंद आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपके इस नाटक से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। अरे बीवी और बेटे के फकीर बनने की फिक्र में कफूर ने खुद ही फकीरी का इरादा छोड़ दिया। अल्लाह का इतना भी भरोसा नहीं है? अगर अल्लाह एक फकीर का ख्याल रख सकते हैं तो एक से ज्यादा फकीरों का ख्याल भी रख सकते हैं। अगर हम गफूर की जगह होते तो अपने बीवी बेटे को फकीर बनने से नहीं रोकते, हम कभी नहीं रोकते। माफी चाहेंगे, अब हम अपना आधा खजाना किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि किसी ने हमें प्रभावित किया ही नहीं। अब हम चले अल्लाह की खोज में पहाड़ों की ओर। जा बना, अब नाटक का अंत भी हुआ ही नहीं है। क्या है कि नाटक का आखिरी दृश्य भी बाकी है। आखिरी दृश्य बाकी? जी जापना, और नाटक का आखिरी दृश्य महल के बाहर होगा कुछ ही देर में।